हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपके लिए एक गेम प्ले लेके आ गया। एकदम ब्रांड न्यू गेम है, ये कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुई है। इसका नाम है एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल। ये वैसे एक पीसी गेम थी, अब लेकिन इसको मोबाइल के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके ग्राफिक्स की बात करें तो मुझे ये कुछ हद तक फ्री फायर जैसे लगे हैं, लेकिन उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साइज़ का भी बहुत इशू होता है कि उसमें देखो साइज़ कम होता है तो उसके ग्राफिक साइज़ के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन इसका साइज़ देखो आप बहुत ज़्यादा है। तो ग्राफिक्स भी इसके देखो बहुत अच्छे हैं। अगर लैंडिंग की बात करूँ तो मुझे BGMI की लैंडिंग थोड़ी ज़्यादा बेस्ट लगी इस गेम से, लेकिन इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है लैंडिंग की। बाकी आप इसकी शेडो वेडोज देख सकते हो कि मतलब गेम्स की ग्राफिक कितने हाई है, क्योंकि एक PC के लिए तैयार की गई गेम थी, इसको मोबाइल के लिए ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। और इस वीडियो में आपको मैं ऐसा गेम प्ले दिखाऊंगा कि आपके रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा। ओह माय गॉड, वाओ। तो फॉलो अगर इस करेक्टर की बात करें तो जैसे ये नारुतो की तरह लग रहा है, जैसे ये भागता है, इसके हाथ ही। ये बात मुझे अच्छी लगी कि इसमें कोई सेंसिटिविटी इशू नहीं है जैसे फ्री फायर में है, उसमें जैसे जायरोस्कोप वर्क नहीं करता, लेकिन इसमें प्रॉपरली BGMI की तरह जायरोस्कोप वर्क करता है और सेंसिटिविटी भी इसमें प्रॉपर है। अगर आपको BGMI सही से खेलने आती तो आप इसमें भी कंपेटेबल हो पाओगे। और ये गेम इतना इंटेंस होने वाला है कि आप भी सोच लेगो कि भाई ये क्या था। अब कंडीशन यहाँ पे ऐसी आ गई है कि यहाँ पे अब कुछ एनिमी स्पॉट होते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कवर से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक अच्छा खासा स्प्रे पड़ता है, जैसे अभी आप देखना। इसलिए मुझे दोबारा कवर लेना पड़ता है। मुझे इसमें ये बात बड़ी बेकार लगी कि जब ये क्राउच होकर थोड़ा रन करता तो ये इसकी मूवमेंट इतनी स्लो हो जाती है, तो ये बात मुझे इसमें बहुत बुरी लगी। अब यहाँ पे दो दो बंदे मेरे पास एक साथ रश कर देते, लेकिन तुम्हारा भाई ठहरा एज डोमिनेटर वाला, क्योंकि मैंने BGMI में एज डोमिनेटर पुश कर रखा है, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन तब भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था 1v2 करना, क्योंकि इसमें थोड़ा डैमेज मुझे बहुत कम लगा गन्स का, कि जल्दी मरे ही नहीं, क्योंकि इसमें शील्ड का ऑप्शन भी दे रखा है, पहले शील्ड को डिस्ट्रॉय करो फिर जाके होगा। जैसे ये देखो इसकी शील्ड आ गई है, आगे से इसको मार नहीं पाऊंगा। अब मेरी हेल्थ भी ज़्यादा नहीं बची, ना मेरे पास कोई हेल्थ किट है, तो अब मुझे एग्रेसिव प्लेयर की तरह खेलना पड़े। उन दो बंदों से मैं बचा ही था, फिर तुरंत पता नहीं कैसे बंदा आ गया, तो मैं अभी अपनी हेल्थ किट लगा ही रहा था, फिर ये देखो सामने से एक बंदा आ गया, इसने मुझे इतना गंदा डैमेज दिया, लेकिन तब से मैंने इसको उतार दिया। देखो गाइस मेरे मेन वेपन में तो एमोस एक तरफ लगभग खत्म ही हो गए थे, फिर अचानक से एक और बंदा सामने से आ जाता है। फिर कोई ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास, फिर मुझे कट्टा यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे क्या बोलूँ, उस गन का नाम मुझे याद नहीं, तो मैं इसे कट्टे से रिसेंबल करूँगा। यहाँ पे लग रहा था कि मुझे कि मेरा गेम प्ले यहीं पे बस ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग एंड करनी पड़ेगी, लेकिन भाई कट्टे ने अपना कमाल दिखा दिया, फिर मैंने इसको नॉक कर ही दिया। अब मैं 2-3 फर्स्ट एड जल्दी जल्दी लगाता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम थी, और देखो शील्ड तो एकदम ख़त्म हो ही चुकी है मेरी, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी हेल्थ लगाता हूँ, क्योंकि अगर एनिमीज आ गए तो शील्ड नहीं है तो मैं जल्दी मर जाऊँगा, और गन्स मैम वो तो है ही नहीं। Good. Got my ultimate ready. I need shield cells. I need health. जो भी कहो, ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे हैं इस गेम के, लेकिन अगर आप छोटे डिवाइस में चलाने की सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ी ये लैग कर सकती है। यहाँ पे मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं एक नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे इतना इंटेंस गेम प्ले होता है कि आप भी हैरान हो जाओगे। यहाँ पे मैं सामने वाले को डैमेज देने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन फिर बगल से उसका टीममेट मुझे डैमेज देने लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा डैमेज आ रहा था, तो मुझे कवर में जाना पड़ा। इस बंदे को मैं डैमेज देता हूँ बहुत ज़्यादा, और आगे जाके मैं इसको नॉक भी कर देता हूँ। ये गेम मुझे बहुत सही लगी, और अब इस जगह ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहाँ से गोली चल के मेरे पास ना आ रही हो, मतलब लिटरली हर जगह से गोली मुझे ही पड़ रही थी, सिर्फ ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मुझे यहाँ से बच बचा के भागना ही पड़ता। यहाँ पर मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था, मतलब कहाँ कहाँ मैं बंदों को मारता फिरूँगा। Battling the enemy.
फिर मैं कवर की तलाश करते हुए इस घर के पीछे आता हूँ और यहाँ पे भी एक बहुत मतलब अच्छा बंदा खेलने वाला दिखता है मुझे। अरे मैं यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ लगा रहा होता हूँ, वो भी मेरे पास ज़्यादा बची नहीं होती, थोड़ी बहुत ही बची है, उसमें भी आके वो आधी ज़्यादा हेल्थ ले जाता है बंदा। अभी देखना जो है ना ये आ गया एनिमी, आधी ज़्यादा हेल्थ एक बार में ले आता है, पानी खेल कैसे रहा था ये। देखिए आधी ज़्यादा हेल्थ ही ले गया, फिर भी मैं इसको करते करते मार ही देता हूँ। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी मेरा गेम प्ले ख़त्म हो गया, कि देखो हेल्थ भी लिटरली एकदम ही डाउन है, एकदम ही डाउन है, कि यहाँ पे मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ सर्वाइव कर भी पाऊँगा। और यहाँ पे भी दो तीन लोग आ जाते हैं, वो भी बताओ इतनी कम हेल्थ में, फिर भी मैं जैसे तैसे नॉक करता हूँ इसको, मैंने नॉक कर दिया। अब मैं इसको पूरा फिनिश नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मैं कवर के पीछे जाता हूँ, क्योंकि हेल्थ तो बची नहीं है, अब तो मैं कवर ही ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास हेल्थ तो थी नहीं, तो यहाँ पे मैं अपनी एक शील्ड चार्ज करने ले जाता हूँ, फिर एक पता नहीं कौन बंदा मेरी पूरी शील्ड खा जाता है। देखना ये पूरी की पूरी शील्ड ये अकेला बंदा खा जाएगा, देखो पूरी शील्ड ख़त्म, जिन लाल हो गए ना मतलब पूरी शील्ड डैमेज हो चुकी है। अब फिर यहाँ से देखना एक और बंदा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो रही थी क्योंकि ये देखो एक और नहीं दो दो बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, एक को मैं नॉक कर दिया, फिर एक को मैं और नॉक करूँगा, पता नहीं कहाँ गया अभी, तो देखो वहाँ से मार रहा है। तो यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इतनी कम एचपी में इनसे फाइट ले नहीं सकता, तो मुझे कवर लेना था अच्छा खासा और मुझे फर्स्ट एड भी ढूंढना था ताकि मैं इनसे दोबारा फाइट ले सकूँ। Recharging my shields. Round 2. Beginning ring countdown. यहाँ पे भी एक बंदा दिखता है लेकिन मैं इसको डैमेज देता हूँ थोड़ा सा। इसको डैमेज दिया लेकिन मैं इसको नॉक नहीं करता, इसको किल सामने से कोई और ही कर देता है। फिर मेरे पास कुछ था तो है नहीं, लेकिन लूटना तो मेरे था ही क्योंकि मेरे सामान बिल्कुल मेरे पास है नहीं, तो मैं बिना परवाह किए सामने उसकी क्रेट लूटने चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एड की मुझे बहुत नीड थी। इसलिए जैसे ही मैं इसको लूटता हूँ गोली मेरे कान के पास से बिल्कुल गई है देखो, तो फिर मुझे दोबारा कॉल लेना पड़ता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मैं तुरंत बिना किसी देरी के फर्स्ट एड लगाता हूँ क्योंकि मुझे हेल्थ रिकवर करनी थी। और ये देखो ये सामने अभी बंदा आ गया, पता नहीं इसने मुझे देखा कैसे नहीं, लेकिन अच्छा हुआ मेरे तो अच्छा ही है। ये देखिए अब यहाँ पे आके दो बंदे आ गए एक साथ, अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे एक को नॉक किया मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन फिर यहाँ से देखो एक और बंदा आ गया, पीछे से कोई और मार रहा मुझे, मतलब हर जगह से बंदे भरे पड़े हैं। वाली कंडीशन हो गई तो मैं यहाँ पे कवर दोबारा लेना पड़ता है, और ये मुझे ऐसा कवर मिला कि यहाँ पे कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा ये एक दूसरे को मार के ख़त्म कर दें फिर बाकी मैं थर्ड पार्टी कर दूंगा इनमें। Reloading. One minute remains. The ring is close. और यहाँ पे गन चेंज करके मैं SMG ले लेता हूँ क्योंकि SMG मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा अच्छी चलेगी SMG। तो गाइज अब जाकर मुझे इस कैरेक्टर का नाम याद आया, हाँ इसका नाम रैथ है, हाँ जी हाँ इसका नाम रैथ ही है, और इसकी स्किन भी है मेरे पास इसे, इसका जो लाल दुपट्टा दे रहा है, क्या लाल दुपट्टा नहीं मतलब हाँ लाल दुपट्टा की तरह ही है। और मेरे देखो शील्ड तो बिल्कुल ख़राब ही हो चुकी है इसलिए लाल लाल साइड में आ रहा है ऑप्शन है ना। बाकी मैं इस गेम की बात करूँ तो ये इरेंगल से जल्दी ख़त्म हो जाती है ऐसा मैंने नोटिस करा है, मतलब इरेंगल में बहुत मतलब घंटे भी लग जाते हैं, मतलब घंटे तो नहीं मतलब 45 मिनट तो मुझे भी लगे हैं एक बार इरेंगल में। अब तो फर्स्ट एड मेरे पास है नहीं, वैसे देखो मेरे पास फर्स्ट एड इतने ज़्यादा है नहीं, और यहाँ से एक बंदा मुझे डैमेज दे रहा होता है।
तो इसको भी नॉक करना ही होता है। मेरी स्पीड तो बिल्कुल डाउन नहीं थी, लेकिन इसको तो नॉक करना बनता ही है। ये देखो ये आगे सामने से, वैसे भी जोन देखो पीछे से आ ही रहा होता है। मैं जोन में घुस जाता हूँ, देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका जोन ज़्यादा डैमेज दे रहा है BGMI के अकॉर्डिंग। देखो सामने दो दो बंदे आ गए, लेकिन दोनों को ही मैंने नॉक कर दिया। ये देखो दोनों को नॉक कर दिया है। अब मैं जोन में तो था ही, लेकिन जोन मुझे इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा था कि मुझे इससे बाहर जाना ही था। अब लकीली मेरे पास एक फर्स्ट एड किट पड़ी होती, सॉरी मेड किट पड़ी होती है। अगर ये टाइम पे नहीं लगती तो मैं यहीं पे ख़त्म हो जाता। मतलब ये लकी मेड किट इसे कह सकते हैं। ये देखिए मतलब एंड के एक सेकंड में अगर ये नहीं लग पाती तो मैं देखो चला जाता। ये देखिए मेरी हेल्थ देखिए बस जाने वाली है, लेकिन जैसी मेड किट लग जाती है देखो मैं बच गया। और अब बिना किसी को देखे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे जोन में जाना ही जाना है, क्योंकि मुझे चिकन निकालना। नहीं चिकन तो नहीं यार इस गेम में, इसको क्या कहेंगे, मतलब विनर। हाँ चलो मुझे विन निकालना था इस गेम में। Recharging my shields. Got an extended energy mag here, level 3. तो फाइनली मैं इस जोन के अंदर एंटर कर रहा हूँ। अब ये देखिए मैं यहाँ पे फिर दोबारा मैट लगाता हूँ। तो भाई अब कंक्लूजन ये है कि अब BGMI में देखो रोज इनका रोना लगा हुआ है, कभी बैन कभी अनबैन कभी बैन फिर कभी अनबैन। तो हमें एक ऐसी गेम पकड़नी है कि जो मतलब एक स्टेबल रहे, और जिन लोगों ने BGMI में पैसा लगा रहा है वो भी पछता रहे हैं कि पैसा बर्बाद पहन चुके, बैन हो गई है ये वो, अब रॉयल पास नहीं खरीद पा रहे ऐसा कुछ। मैं ये कहूँगा कि आप इस गेम को भी चेकआउट कर सकते हैं, ये गेम भी अच्छी है। वेल यहाँ पे मैंने नौ किल निकाले हैं और गेम प्ले भी ठीक ठाक गया मेरा। आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BGMI की जनता फुल्ली शोर मचाए हुए है कि BGMI कब पूरी तरह अनबैन होगा। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। शिट, ठोकी महाकाल का।